हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे पास है चार्जिंग पत्ता। तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि इसकी चार्जिंग जैक को कैसे सेफली उतार सकते हैं और कैसे इस पर लगा सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखना दोस्तों, तभी आपको पता लगने वाला है। तो आप ये वीडियो देख के आप भी चार्जिंग जैक को चेंज करना सीख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान ट्रिक है। तो देखिए सिंपली हम इस पर क्या करेंगे, यहाँ पे पहले माइक पे थोड़ी सी टेप लगा लेंगे। अगर हो सके तो इस पर कोई लोहे की पत्ती वगैरह भी रख सकते हैं जिससे कि माइक पे वो ना लगे। तो इस पर हल्की सी हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा कि फिर हीट करने से थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, फिर इस पर पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों क्योंकि सोल्डरिंग आराम से अलग हो सके ये। तो देखिए हमने ये जो कि लगा ली है, अब इस पर हीट करते हैं। तो जब तक हमें हीट करना है जब तक ये इसका सोल्डर पिघल नहीं जाता है, और इसकी जैक को तभी उठाना है जब यहाँ से सोल्डर पिघल जाएगा। वैसे खींचना नहीं है दोस्तों, वैसे खींचोगे तो प्रिंट वगैरह भी कोई फट सकता है दोस्तों। तो इसको सिंपली देखिए, जब आपको लगे ये हिलने लगी है तो इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आराम से निकल जाएगी। तो देखिए जैक बिल्कुल बाहर आ चुकी है और कोई भी प्रिंट फटा नहीं है इसका, कोई भी प्रिंट ख़राब नहीं हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, देखिए इस पत्ते को हमें साफ़ करना है बिल्कुल। जो इसकी एक्स्ट्रा शोल्डर है वो निकाल लेनी है। एक्स्ट्रा शोल्डर को निकाल के बिल्कुल सही तरह फिर इसको साफ़ करेंगे। जब इसके ये होल बिल्कुल खाली हो जाएंगे तो फिर ही इसमें जैक लगाएंगे, बिल्कुल आराम से लग जाएगी। तो देखिए इस पर हमने पेस्ट लगा लिया है जिससे कि ये शोल्डर जो एक्स्ट्रा लगी हुई है, जिस तार जो हमने तार छील के लगा रखी है, इस पर बिल्कुल आराम से चिपक जाएगी। तो इसके चिपकने से क्या होगा, जो इसके जैक के अंदर होल होंगे वो खाली होते चले जाएंगे और उसके अंदर शोल्डर निकल के इसके तार के ऊपर चिपकती जाएगी। तो फटाफट इसको भी कर लेते हैं यहाँ से, देखिए। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। बाकी मैंने ये तार इसलिए ले रखी है क्योंकि आती है और जो जिससे कि हम सोल्डिंग उतारते हैं, लेकिन हम यही यूज़ करते हैं क्योंकि डाटा केबल वगैरह ख़राब हो जाती है दोस्तों, उनकी तारों को निकाल लेते हैं और वो जो वेस्ट हो जाती है उनको भी हम काम में ले लेते हैं। तो इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं दोस्तों, देखिए। तो यहाँ पे हमने इसको, यहाँ पे जितने इसके सोल्डरिंग के पॉइंट थे वो सारे हमने साफ़ कर लिए। इसको फटाफट करते हैं इसको साफ़ यहाँ से लिक्विड डाल के। तो हमने देखिए इसको साफ़ भी कर लिया, देखिए आपको दिख रहा होगा हर एक होल हैं जितने भी हैं खाली हो चुके हैं। तो इसमें अब अगर जैक लगाएंगे तो बिल्कुल आराम से इसके ऊपर फिट हो जाएगी। तो सिर्फ फिट करके दिखाते हैं आपको फटाफट, जितने भी इसके होल के अंदर हर एक पॉइंट के अंदर बिल्कुल पॉइंट चला जाएगा और जिसको चार्जिंग जैक को लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, देखिए दोस्तों। तो इसके ऊपर रखते हैं, इसके अंदर जितने पॉइंट हैं पॉइंटों के अंदर पॉइंट मिल चुके हैं, आपस में चल चुके हैं, देखिए। तो अब इसको हमने बैक साइड से देखिए, यहाँ पे जितने पॉइंट दिख रहे हैं होल से, यहाँ पे हमें पेस्ट लगा के हल्की हल्की इस पर सोल्डिंग कर देनी है। तो यहाँ से सोल्डिंग करने से भी काम चल जाएगा, बाकी पतली साइड से भी कर लेंगे थोड़ी बहुत, जिससे कि मजबूती मिलेगी जैक को और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी और ये जैक भी जल्दी ख़राब नहीं होती दोस्तों। तो बिल्कुल अगर आप सेफली जैक लगाना सीख गए तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आप की तकरीबन फ़ोन में चार्जिंग प्रॉब्लम आती रहती है। तो देखिए हमने दूसरी साइड से सोल्डरिंग कर ली थी, अब इस साइड भी हम कर लेते हैं। तो फटाफट आपको करके दिखाते हैं करने के बाद कितना साफ़ सुथरा जैक लगेगा। अगर आपको ये जैक लगाया पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। तो देखिए ये हमने जैक लगा दिया है कंप्लीट, देखिए हर एक पॉइंट बिल्कुल सही तरह लगा हुआ है, ना ही कोई आपस में पॉइंट मिला है। तो अब ये जैक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और आपको फटाफट फ़ोन में फिट करके दिखा देता हूँ। तो फ़ोन में फिट करके दिखाते हैं चार्जिंग लगा के आपको। तो देखिए दोस्तों चार्जिंग होगा या नहीं होगा तो अभी ये देख लेते हैं इसको। तो देखिए जो कि ये फ़ोन है हमारे पास रियलमी का है फ़ोन है दोस्तों, C3i होगा शायद ये, या C2 ऐसे ही कुछ मॉडल है। तो देखिए अब इसको हमने चार्जिंग लगा लिया, चार्जिंग होने लगा है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।